जो रियल लाइफ है उस पर फिल्म बनाना कितना अपीलिंग होता है आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो देखा जाए तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है बिकॉज मलाला एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है और एक वर्ल्ड आइकन है हमें एंड मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया और मैं भी इसमें काम कर रही हूँ. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट डूइंग अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट. लेट्स सी हाउ इट गोज बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस. तो किस तरह कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और कितना चैलेंजिंग होगा ये कैरेक्टर? इसमें बेसिकली तो मलाला है जो बच्ची है, उसके अलावा बाकी हम सब बहुत बढ़िया उसको सपोर्टिंग है. तो मैं इसमें एक सुपर कॉप का रोल कर रही हूँ जो पूरा टाइम मलाला जिसकी वजह से मलाला को सपोर्ट मिलता है और वो बचती है हमेशा. तो ये स्टोरी पाकिस्तान की है. हाँ, कहीं कहीं डर नहीं है आपको कि इन फ्यूचर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है स्टोरी चूज करने का पहला सवाल? नहीं, अपन क्यों डरे? जब मलाला खुद रेडी है तो हम क्यों डरे? और पाकिस्तान से तो वैसे भी इंडिया कोई डरता नहीं है तो अपने तो अच्छी बात है. वहाँ की स्टोरी वहाँ के नॉर्मली कैरेक्टर नहीं नहीं भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है यहाँ पे. नहीं पूरी मूवी है नहीं ऐसा कुछ नहीं. मलाला इंटरनेशनल फिगर है, कोई पाकिस्तान की स्पेशली नहीं है. शी उसने नोबेल लिया है, पुरस्कार लिया है, उसने क्या क्या लिया है, तो शी इज़ फॉर एवरीबडी. इसके ऊपर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन चुकी है इनके बारे में, तो ऊपर तो फिर काफ़ी प्रेशर होगा. कितना रिसर्च करना पड़ा? ये तो अभी डायरेक्टर बताएं कितना रिसर्च किया, बट आई थिंक उन्होंने बहुत रिसर्च किया. मैंने अपने कैरेक्टर रिसर्च किया है और मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर क्या होगा और मैं किस तरह उसको पोर्ट्रेट करूँगी. बट मलाला के लिए भी वो एक इंटरनेशनल आइकन है, नॉट ओनली पाकिस्तान इंडिया, तो हाँ वो सबकी है अभी और उसके ऊपर कोई भी फिल्म बना सकता है. सो आई एम प्राउड टू हैव बी ए पार्ट ऑफ द फिल्म.